हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, आज आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आपको इस चैनल पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट डील किए जाएंगे, वो भी विद वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ। आपको एवरीथिंग वेल क्वालिफाइड भी होगी, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को सारी चीजें देखना है लास्ट तक, ये नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा और रिमूव करके। ये सारी चीजें आप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती रहेगी। तो आपको करना क्या है, मैं एक एक चीजें बताऊंगा और आप उसको देखते जाइएगा। इस क्योंकि ये चैनल पे क्या है कि मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए आप और जो कि ये आप लोगों के लिए ही डेवलप किया गया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। और क्योंकि कनेक्ट आप रहना है, क्योंकि हम कंटेंट ही हमारा ऐसा रहेगा, हम बेस्ट कंटेंट देंगे, वो भी कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग। वो कंटेंट कैसा होगा डियर, कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट होगा और क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्वालिटी रहेगी उसमें। ये नहीं कि आपको कंटेंट उसकी कट कर दिया जाए, कंटेंट आपको फुल्ली मिलेगा, आपको सारे एग्जाम को कवर किया जाएगा, एसएससी जेई, स्टेट जेई एंड एई एंड पीएसयूज, इन सारे एग्जाम को कवर किया जाएगा डियर। तो आप चीजों को एक एक करके देखते हैं। आज हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे उस सब्जेक्ट का। देखो डियर, जो मैं करूंगा सब्जेक्ट स्टार्ट वो है टॉम थ्योरी या मशीन, जो है मैं उसको डील करूंगा और बाकी अदर फैकल्टी करेगी, बट मैं स्टार्ट करूंगा थ्योरी या मशीन। तो आज हम करेंगे स्टार्ट थ्योरी या मशीन का रोड मैप एनालिसिस करेंगे, कि रोड मैप एनालिसिस में क्या होता है, कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हमें डिस्कस करने हैं, कितने आवर्स लेंगे और इस टोटल सब्जेक्ट का क्या वेटेज है एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंस है, एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इंपॉर्टेंट क्यों है सब्जेक्ट, कैसे इसको पढ़ना है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है। तो सारी चीजें आपको देखनी है डियर, कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम लेगा और हम कैसे कैसे चीजों को करेंगे, टोटल कितने चैप्टर हैं, एवरीथिंग। तो डियर आप करते रहिएगा और आपको इस चैनल पे चीजें मिलेंगी, बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी रहेगी, आपको एवरीथिंग और कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको समझाई जाएंगी विद एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएंगे डियर, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरियस रहेंगे आपको, तो कोई प्रॉब्लम आपको होने ही वाली नहीं है, बस आप ट्रस्ट करिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन में लोग ट्रस्ट करते ही नहीं है, उनको लगता है वेरियस सोर्स है, तो हम यहां चले जाए वहां चले जाए, यही प्रॉब्लम होती है आज के टाइम में। आप ट्रस्ट करना सीखिए, कोई भी एजुकेटर आपको प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि आप एजुकेटर को चेंज करते रहते हो, सोचते आज इसको देख ले उसको, प्रॉब्लम यही आती है। आप किसी एक एजुकेटर को जो आपको लग जाए कि वो क्वालिटी है उसके अंदर, वहां आप रेगुलर बने रहिए, अगर आप बने रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है और साथ साथ आपको भी कुछ करना है, ये नहीं कि एजुकेटर ही सारी चीजें कर देगा, आपको करना क्या है, डेली रेगुलर रहना है, रेगुलर रहना है और साथ साथ नोट्स को बनाना है डियर। नोट्स बनाओगे आप, नोट्स बनाओगे तो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर, बाद में क्योंकि हम यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे तो आप देख लोगे, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जैसे ही वन वीक बिता तो आपकी चीजें फॉरगेट हो जाएंगी, तो नोट्स आप बनाए रहोगे तो आप उसको रिकॉल करते रहना आफ्टर सम टाइम। जैसे अभी आज का डिस्कस हुआ टॉपिक, तो उसको अगर आप टूडे कर लिया तो काफी चीजें वो आपके माइंड में रहेंगी, आफ्टर वन वीक आप करोगे तो और ज्यादा रहेंगे, ऐसे 15 डेज अल्टरनेट आप करते रहेंगे चीजों को, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि चीजें सारी ओवरऑल हमें याद हो गई हैं। देखो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हम एक स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं करना, आप उसको ऐसे पढ़ो कि हमें किसी को पढ़ाना है। जब आप अपना माइंडसेट ऐसे कर लेंगे कि हमें उसको पढ़ाना है किसी को, तो आप इतने अच्छे से पढ़ोगे ताकि हम कहीं फंसे ही ना, और जब आपका माइंडसेट ऐसा होगा तो आपकी चीजें क्या होगी, आपको सारी ओरली याद होगी, और एग्जाम उन्हीं का क्रैक होता है जो ज्यादा से ज्यादा चीजें ओरली याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत लोग बैठते हैं ना डियर, और सीट कितनी होती है, बड़ी कम होती है, तो निकलेगा किनका, जिनको सारी चीजें पूरी की पूरी प्रिपेयर होंगी, ओरली होंगी, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है डियर कंपटीशन एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट आपने देखा होगा एकेडमिक एग्जाम में क्या है, वहां पे लोग सभी पास हो जाते हैं, बहुत कम ही लोग की बैक वगैरह आती है, बट ये एग्जाम यहाँ कोई फेल कैसे होता है, यहाँ तो क्वालिफाई डिसक्वालिफाई, तो यहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि सीट कम है तो आपको चीजें देखनी है कि कम टाइम में कैसे हम उस चीज को कवर कर ले जाए, कम टाइम में कैसे उस चीज को हम कवर कर ले जाए, यही तो सीखना होता है। आता तो सबको है, बहुत लोग याद कर लेते हैं चीजों को, कर लेते हैं, बट सबका क्वालिफाई एग्जाम नहीं होता डियर, क्यों, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता है, और टाइम मैनेजमेंट जो सीख गया कंपटीशन एग्जाम का वो किंग है, वही है डियर किंग। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का रोड मैप एनालिसिस, एक नई जोश और नए उमंग के साथ चलते हैं नए सफर पे थ्योरी ऑफ मशीन की तरफ। आइए डियर देखते हैं क्या है थ्योरी ऑफ मशीन, उसके पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे रोड मैप, और हम देखेंगे एग्जाम किस किस मार्क्स में कितना कितना आता है, और
अगर आपको किसी बुक्स की रेफरेंस जरूरत है, वैसे आप हमारे सोर्स पर करिए, कोई जरूरत नहीं है, बट आपको लगता है कहीं अगर प्रॉब्लम फंस जाते हैं तो आप कुछ बुक्स को मैं बता दूंगा, उसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं डियर। ओके, तो आइए देखते हैं पहले एसएससी जेई और किस एग्जाम में आता है। देखो डियर, ये टोन सब्जेक्ट है, एवरी एग्जाम इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, गेट, ईएससी, एसएससी जेई, स्टेट जेई एंड ई एंड अदर पीएसयू, पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू की जो वैकेंसी है डियर, डिप्लोमा लेवल की भी आती है और बीटेक लेवल की भी आती है, डायरेक्ट आती है। बीटेक लेवल की जो डियर है वहां पे तो आज के टाइम में काफी तो गेट से ही हो गया, बट अभी भी वेरियस पीएसयूज हैं जो अपना अलग निकालते हैं, तो आपको उनको फोकस करना है। जैसे करंट टाइम में भी आपने देखो कि एचएल की आई है, एचपीसीएल की आई है, तो वेरियस ऐसे आती रहती है टाइम टाइम पे, तो वो होता है कभी वो गेट से जाएंगे, कभी अदर कराएंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। और डियर एसएससी जेई, स्टेट जेई लिखो आप, स्टेट जेई एंड एई एंड पीएसयू, यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं ना डायरेक्टली थ्योरेटिकल या फिर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं गेट और ईएससी की तरह वहां कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा आएगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, आपको चीजें नहीं पाएंगी। यहां पे क्या है, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया है सारी चीजें आपको दिखेंगी वही, टू सेम वही है, कुछ अलग आपको नहीं दिखेगा, बस आप क्या करते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर, कहते हैं ना प्रैक्टिस आप अपने अगर किया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने काफी लगेगा, कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो वहां पे चीजें हमें लगती है हमने तो पढ़ा है, ऐसा होता होगा आपके साथ ना, तो ये चीजें बहुत फैक्टर करती हैं। तो एसएससी जेई, स्टेट जेई एंड ए एंड पीएसयू डियर, पीएसयू में फॉर डिप्लोमा लेवल का भी होता है और बीटेक, तो आप लिख लो डिप्लोमा एंड और बीटेक, और क्या करना है, एसएससी जेई में कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट आता है, अप टू फाइव मार्क्स। और डियर स्टेट जेई एंड ए, देखो यहां पे हम नंबर्स नहीं बताएंगे, एक्चुअली ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट का, तो कहीं पे 100 मार्क्स का होता है, कहीं पे 200 होता है, तो हम इसको परसेंटेज में लेंगे, तो आप 6-7% का वहां पे आता है। सेम ऐसे पीएसयू में भी सब अलग अलग पीएसयू का अलग अलग है, कहीं पे 100-120 है, कहीं पे 180 है, कहीं 200 है, तो कहीं पे 80 का ही होता है, तो इसलिए हम परसेंटेज में भी यहां पे करते हैं 5-8%, तो इतने मार्क्स होते हैं 5-8% मार्क्स यहां पे आता है, 6-7% मार्क्स यहां पे आता है। और इससे यही तो आप जानते हैं 200 मार्क्स का होता है, टेक्निकल 100 का रहता है और नॉन टेक भी 100 रहता है, तो टेक्निकल में 5 मार्क्स का आपका आ जाता है थ्योरी ऑफ मशीन। ओके चलिए, और आप बात करते हैं बुक की, किसकी बुक की बात करते हैं, कि कौन से बुक एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। देखो बुक ना ऑलवेज आप मत यूज करना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमको कब यूज करना, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए तब, कि लगे चीजें समझ में नहीं आ पा रही, तभी आप बुक को यूज करना। अगर आप यहाँ पे बुक यूज करने बैठ गए तो आप क्या होगा, आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है, कौन सा कंपटीशन एग्जाम, तो उसको क्रैक करने के लिए क्या करना होता है कि हमको पॉइंट की चीज जाननी है, बस पॉइंट पॉइंट। तो आप लिखो बुक, मैं ज्यादा बुक नहीं बताऊंगा आपको, फॉर बीटेक स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एसएस रतन, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बुक है, आपको समझ में भी आएगी और अच्छी बुक है। एसएस रतन खुरमी मत पढ़ना, आप आरएस खुरमी को मत पढ़ना, एसएस रतन नहीं फॉलो करना, या तो फिर बुक पढ़ना ही मत, और तभी पढ़ना जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा जरूरत है, एसएस रतन। चलिए, फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, उनको कौन से करना है, वो एशियन पब्लिकेशन जो आपने पढ़ा होगा ना उसको कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो एसएस रतन भी यूज करो, ये दोनों यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको मिलेगी, ये बीटेक लेवल की बुक है, बट आपके चैप्टर जो है ना सारे वही की वही है, तो आप उसके भी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप एशियन का ही, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एशियन पब्लिकेशन ही आप देखो। ओके डियर, चलिए तो हमने देख लिया कि हमें रेफरेंस क्या क्या यूज करना है अगर कभी हमको जरूरत पड़ जाए तो बुक्स की, तो हमने बुक देख लिया इस सब्जेक्ट के लिए क्या जरूरत पड़ सकती है, वैसे आप तभी यूज करिएगा जब आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम फंस रही, अदरवाइज जितना हम लोग बताएंगे उस सोर्स आपके लिए सफिशियंट है, उस सोर्स पे ही आप ट्रस्ट करिएगा, आप उसमें कभी मत सोचिए कि कुछ प्रॉब्लम है, ट्रस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीचर पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में हमेशा रहोगे, क्योंकि टीचर कभी भी आपको रॉन्ग नहीं पढ़ाएगा, इस चीज को पहले अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है ना। तो बुक्स कौन से रेफरेंस, ये सारी, इसके बाद आपने देख लिया मार्क्स, अब हम करते हैं बात
रोड मैप एनालिसिस, कौन से चैप्टर क्या क्या हैं, कितने आवर्स लगेंगे, चलिए और कौन कौन से उसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आइए डियर निकलते हैं नए सफर पे हम। तो हमें क्या करना है, रोड मैप एनालिसिस करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है डियर, हमारा फर्स्ट जो है वो है मैकेनिज्म एंड मशीन। क्या है, मैकेनिज्म एंड मशीन, चलिए हम उसको राइट डाउन करते हैं और साथ साथ आप भी कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लगा रहेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। रोडमैप एनालिसिस, रोडमैप एनालिसिस। तो डियर फर्स्ट मैकेनिज्म एंड मशीन, मैकेनिज्म एंड मशीन, ओके। एंड सेकेंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस। वेलोसिटी, इसको आप कभी कभी देखते हैं मोशन एनालिसिस में लिखा होता है, मोशन एनालिसिस के अंदर में दोनों आता है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस, ओके डियर। चलिए बात करते हैं थर्ड, थर्ड आपको देखना है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में हम दिखाएंगे कैटेगरी कौन कौन सी, बेल्ट रोप एंड चेन। फर्स्ट आपको देखना है बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, चेन ड्राइव, ओके। फोर्थ आपको देखना है गियर ड्राइव। क्या देखना है डियर, गियर ड्राइव। तो आप देखते रहिए और राइड करते रहिए, गियर ड्राइव। फाइव क्या देखना है डियर आपको, हमने फोर देख लिया। फाइव नंबर आपको देखना है फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील। एंड नेक्स्ट आपको देखना है गवर्नर, गवर्नर, ओके। सेवन क्या देखना है आपको, इतना देख लिया, ये भी हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स गवर्नर। अब डियर क्या करना है हमें, कौन कौन से पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं आपके, अब आप लिखो। तो गवर्नर तो हो गया ना, अब आप लिखो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। एट, एट आपको देखना है ब्रेक एंड डायनोमीटर, ब्रेक एंड डायनोमीटर, डायनोमीटर, ओके। नाइन, नाइन डियर आपको देखना है, बैलेंसिंग तो हो गया ना, कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर, ओके। टेन जायरोस्कोप, जायरोस्कोप, जायरोस्कोप। एंड इलेवन वाइब्रेशन, लास्ट डियर वाइब्रेशन। चलिए हम देखते हैं इसको क्या है वाइब्रेशन में क्या क्या चीजें, सारी चीजें एक एक करके हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके डियर। तो टोटल हमें क्या क्या करना है रोड मैप एनालिसिस में, मैकेनिज्म एंड मशीन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस, एंड नेक्स्ट वन डियर बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, वेरी गुड, गियर ड्राइव, फ्लाई व्हील, गवर्नर, बैलेंसिंग, ब्रेक एंड डायनोमीटर, कैम एंड फॉलोवर, जायरोस्कोप एंड वाइब्रेशन, है ना डियर। चलिए अब देखते हैं कितने आवर्स टोटल लगेंगे और इन टॉपिक्स में कितने कितने लगेंगे, ये एक अगला अलग चैप्टर है डियर, ये चैप्टर टोटल ऐसे चैप्टर है, इनके बीच में भी टॉपिक है, अंदर टॉपिक है काफी। तो आइए फर्स्ट में कितना लगेगा, 10 आवर्स, ओके। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन 5 आवर्स, ओके डियर, वेरी गुड, 10 आवर्स, 5 आवर्स। बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, ये है 4 आवर्स का आपका, 4 आवर्स। गियर ड्राइव 5 आवर्स, 5 आवर्स। फ्लाई व्हील 5 आवर्स, ओके वेरी गुड। गवर्नर 5 आवर्स ऑल्सो, वेरी गुड। बैलेंसिंग 5 आवर्स। नेक्स्ट ये सबसे स्मॉल है, सबसे स्मॉल, जल्दी से कवर होगा, 1 आवर। ब्रेक एंड डायनोमीटर 1 आवर, ओके 1 आवर। कैम एंड फॉलोवर 5 आवर्स, 5 आवर्स, ओके। जायरोस्कोप ये भी 5 आवर्स, ओके वेरी गुड। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कितना होगा डियर, वाइब्रेशन भी हमारा 5 आवर्स का टॉपिक है,
तो ओवरऑल कितना हो गया, आप ऐड करो बताओ, 5, 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 35 plus 5, 30, 5 plus 5, 40, 45 plus 5, 50, 50, 10, 60, देख लो 10, 15, 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 40, 10, 50, 50 और 5, कितना हो जाएगा डियर टोटल 60 है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया 5 8 40, वेरी गुड, टोटल कितने हो गए आपके 50 हो गए ना, कोई और प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, कुछ छूटा है, कुछ नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये टोटल आपने देख लिया, तो टोटल इस तरीके से हमारा ये कवर हो जाएगा। ओके डियर, तो हम बात किए मैकेनिज्म एंड मशीन, क्या होता है मैकेनिज्म एंड मशीन, इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव में क्या पढ़ेंगे, गियर ड्राइव में क्या पढ़ेंगे, फ्लाईव्हील में क्या पढ़ेंगे, गवर्नर में क्या पढ़ेंगे, बैलेंसिंग में क्या पढ़ेंगे, ब्रेक एंड डायनोमीटर में क्या पढ़ना है, और कैम एंड फॉलोवर एंड लास्ट जायरोस्कोप एंड वाइब्रेशन। चलिए हम चीजें देखते हैं शॉर्टकट में देखेंगे, बाद में जब पढ़ाया जाएगा डिटेल आपको एनालिसिस कराया जाएगा, आपको एवरीथिंग सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। ओके डियर, वेरी गुड, तो डियर आपको पढ़ना है मैकेनिज्म, क्या पढ़ना है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में आप क्या पढ़ते हो, मैकेनिज्म में हमें देखना है कि जो लिंकेज वगैरह होती है, पहले हम करेंगे लिंक पढ़ेंगे, लिंक कि जो छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, कोई पावर ट्रांसफर जिससे होती है, वेलोसिटी में कुछ आती है, जैसे कि आप ये देखा, आपने अगर देखा ये 4-1 चेन है ऐसे, तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन होगी, वेलोसिटी होगा ना, तो कुछ मोशन होगा, तो मैकेनिज्म ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन होगी, मैकेनिज्म 4-1 मैकेनिज्म होगी, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म होगी, डबल स्लाइडर होगी, ऐसे अलग अलग, उसमें हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे डियर, और क्या देखेंगे हम, देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का दूसरा नाम क्या है, मोबिलिटी है। ओके, ऐसे इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, क्या होती है काइनेमेटिक चेन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, अनकंस्ट्रेंट चेन, कंस्ट्रेंट चेन, एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस किया जाएगा आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ये जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये सब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आज तो बस हमें एक ओवरव्यू देखना है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे चलना है, कैसे मूव करना है, एवरीथिंग। ओके ना, तो आज हमने आपको बताया सारी चीजें, ये ऐसे चलेंगे हम, तो मैकेनिज्म में क्या पढ़ना है आपको हमने बता दिया, मशीन, मशीन अच्छा आप जानते हो ना मशीन क्या करती है, मशीन हमारे काम को क्या करती है, इजी, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जब पढ़ाया जाएगा तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, वहां आपको समझ में आएगा मशीन क्या होती है, अभी तो आप ऐसे जानते हो मशीन क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में, वो डेफिनेशन बच्चों की डेफिनेशन है। ओके, चलिए ऐसे ही हम वेलोसिटी और एनालिसिस करेंगे एक्सीलरेशन का। ओके, कैसे डायग्राम बना के ग्राफिकल होगा चीजें हम वहां से देखेंगे, फिर बात आती है बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, कैसे पावर ट्रांसमिशन होता है, देखो डियर इससे ही पावर ट्रांसमिशन होगा और गियर ड्राइव से भी होगा, टू टाइप्स के ड्राइव होते हैं, पॉजिटिव ड्राइव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव ड्राइव क्या है, पॉजिटिव ड्राइव वो ड्राइव होते हैं जिसमें स्लिपिंग नहीं होती, नो स्लिपिंग, गियर कैसे ड्राइव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ड्राइव, और बेल्ट रोप चेन ये कैसे है, स्लिपिंग यहाँ पे पॉसिबल होती है डियर, तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव स्लिपिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। बात करते हैं फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, यहाँ पे क्या वर्क होता है, ये क्या करता है, स्पीड वेरिएशन कंट्रोल करता है, हमारा जो इंजन सप्लाई आती है, कभी कभी अगर इंजन सप्लाई बंद हो गई तो तुरंत वायरी कर जाएगी स्पीड ना, तो वो स्पीड वेरिएशन कंट्रोल करने के लिए लगाया जाते हैं। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब स्टार्ट किया जाएगा टॉपिक। तब ऐसे ही बात होती है बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग में डियर क्या होता है, बैलेंसिंग की जैसे अगर आपने पहले के टाइम पर रेलवे का देखा होगा, जो व्हील होता है वहां पे बैलेंसिंग आपको दिखाई जाती थी कि वो थोड़ा सा डिजाइनिंग में, इसमें जब मैं दिखाऊंगा इसका पीपीटी दिखाऊंगा तो वहां पे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि इसके व्हील में बैलेंस बनाया जाता ताकि उसमें कुछ बबलिंग वगैरह ना हो, एकदम स्मूथ चलती रहे, अदरवाइज प्रॉब्लम आती। फिर आप जानते हो ब्रेक और डायनोमीटर, ब्रेक भी यूज होता है भाई, कोई भी अगर ऑटोमोबाइल है ब्रेक तो यूज होना ही होना है ना, अगर ब्रेक नहीं होगा तो कैसे इसको आप रोकोगे, अगर कोई व्हील कोई चल रहा है, कोई गाड़ी हमारी चल रही, बाइक चल रही है या फिर फोर व्हीलर चल रही है, तो उसको आप कैसे करोगे, आपको करना है कंट्रोल, रोकना है, जस्ट जाकर रोकना है, अगर ब्रेक ना होता तो आप क्या करते, कोलाइड कर जाते, आगे वाले से कोलिजन हो जाता है ना, तो यही बात है। तो ब्रेक का डायनोमीटर तो आपने सुना ही होगा, जनरेटर देखा है ना, ऐसे डायनोमीटर भी होता है। ओके, बात होती है कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर क्या होता है डियर, डियर कैम, कैम एंड फॉलोवर टू वर्ड आपको मिले, कैम, कैम ऐसा देखो आप, ये क्या है कैम डियर, अगर फॉलोवर क्या है उसको फॉलो करता रहेगा,
इसमें कोई मोशन नहीं होगा। सपोज दैट यहां पे सपोज क्या है, पर रोटेटरी होना ही है, कभी कभी इसमें ऑसिलेटरी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, गाइड के अंदर लगा रहेगा, ये एक गाइड में लगा रहेगा, और इसमें कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी, ये फॉलोवर में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ओके, फॉलोवर में ट्रांसलेटरी मोशन होगा और कैम रोटेटरी मोशन करता रहेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रोटेटरी है, ऐसे अलग रहेगा, कभी कभी ऑसिलेटिंग ही होगी, ऑसिलेटिंग ही होगी, तो अलग अलग रहता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला डिजाइन का हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैम होते हैं, फॉलोवर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो फॉलोवर क्या करेगा, फॉलो करता रहेगा, कैम एज अ ड्राइवर होगा और फॉलोवर एज अ ड्राइवमैन होगा, तो जो फॉलोवर होगा वो कैम को क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो बात समझ में आई, इसीलिए इसका नाम है फॉलोवर। अब बात करते हैं जायरोस्कोप और वाइब्रेशन। जायरोस्कोप भी यूज होता है अलग अलग कहां पे डिवाइसेस में यूज किया जाता है, तो जायरोस्कोप भी एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, बात समझ में आती है ना, आपने देखा होगा फाइटर जेट वगैरह में भी लगती है, किसके लिए, उसके एल्टीट्यूड इन सारी चीजों को चेक करने के लिए कि कितनी हाइट पे हम इस टाइम पे हैं, क्या क्या उसमें चीजें हो सकती हैं, तो जायरोस्कोप भी यूज होता है। ऐसे ही बात हम लास्ट में पढ़ते हैं टोम में, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्यों पढ़ना होता है, क्योंकि जब कोई मशीन मूवमेंट अगर उसमें होता है, अगर वो चल रही है, पावर सप्लाई हो रही है, तो आप देखते हो ना, अगर उसके पास भी खड़े रहो तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत होता रहता है, चीजें थोड़ा बहुत हिलती रहती हैं। जैसे अभी आप देखो, अगर कोई फ्लाइट वगैरह जाती है तो कांच के शीशे वगैरह क्या होते हैं, तुरंत वाइब्रेट कर लेते हैं, साउंड आने लगती है ना, तो वो क्यों, वो सारी चीजें क्यों होती है, यहाँ पे इस चैप्टर में आपको समझ में आएगी कि क्या रीजन होता है, क्यों होता है। वहां पे हम एक चीज देखेंगे क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा उस चैप्टर में वाइब्रेशन के बारे में, कि कोई मशीन अगर लेथ मशीन लगी हुई है, ग्राउंड पे लगी हुई है लेथ मशीन, तो उसमें आप देखते हैं जब चलती है तो वाइब्रेशन आता रहता है, ग्राउंड पे वाइब्रेशन जाता है, एवरीथिंग क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, सब कुछ हम सीखेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, ओके। तो हमने यहां से सारी चीजों को देख लिया है ना डियर, तो सारी चीजों को हमने देखा, बड़े ही अच्छे से देखा, बड़ी ही क्लियरली चीजों को समझा है ना डियर। तो आइए हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है, इसका क्यों इंपॉर्टेंट रहा, क्यों आया ये, इंजीनियरिंग क्या जरूरत रही इस सब्जेक्ट को लाने के लिए, थ्योरी ऑफ मशीन जो ये हमारा लिखा है, थ्योरी ऑफ मशीन, इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही कि इसको यहाँ पे पढ़ाना पड़ा आप लोगों को, इंजीनियरिंग में लाना पड़ा, डिप्लोमा वालों में भी और बीटेक वालों में। देखो डियर, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन का सिद्धांत, मतलब मशीन के बारे में उसकी थ्योरी पढ़नी है, सारी चीजें एनालिसिस करनी है, थ्योरी, यहाँ पे डिजाइन नहीं करनी है हमको, मशीन के जो पार्ट्स लगे होते हैं उसकी हमें डिजाइन बिल्कुल नहीं करनी है, वो तो हम एमडी में करते हैं, मशीन डिजाइन एक अलग सब्जेक्ट ही बना हुआ है, मशीन डिजाइन वहां पे करेंगे हम, बट इस सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, उनके ओवरऑल जैसे अलग अलग कंपोनेंट है, कोई मशीन है, ऑटोमोबाइल आप सपोज कर लो, या एक फोर व्हीलर है, वहां पे आप देखते हो लगी रहती ना सारी चीजें, रहती ना गियर रहता है ना, गियर लगा होता है, तो सारी चीजें अलग अलग लगी होती है ना, जितनी भी चीजें लगी हुई हैं उनके बारे में ही हम उसके थियोरेटिकल नॉलेज लेते हैं पूरी की पूरी, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेते हैं उसमें, चीजों को समझते हैं कि अगर कोई गियर ही है, सपोज दैट मैं एक गियर का रफ फिगर बनाता हूं, ये गियर का एक रफ फिगर है, ठीक है ना, देखो ये सार पॉइंट ऐसा होता नहीं है, मैं बना रहा हूं केवल, आप समझ लेना, ठीक है ना, तो गियर का एक रफ फिगर बनाया जाए अगर, तो क्या होता है वहां पे आप देखते हो ना कि अलग अलग चीजें आपको मिलती हैं, एडेंडम सर्किल कहीं रहेगा, कहीं पिच सर्किल रहेगा, और वैसे देखा जाए तो ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे कटिंग हुई होती है, बस समझ में आ रही है, इस स्टार पॉइंट कभी नहीं होता, वो इस प्रॉकेट में होता है, आपने जो साइकिल का वो देखा है जिसपे चेन लगी होती है, वो इस प्रॉकेट का गियर नहीं होता है, स्टार पॉइंट बना देंगे तो आप समझ लोगे इस प्रॉकेट, ठीक है ना, इसमें स्टार पॉइंट बनाओ, इसको आप स्टब ही कर दो, ठीक है, वेरी गुड, तो चीजों को आप ऐसे ही देख लो कि गियर, अब गियर अगर हम बात जब करते हैं गियर की, तो वहां पे देखो क्या जो तीर इसके बने हुए हैं, क्या इसका यूज होता है, किस लिए ऐसा किया गया, कि वहां पे इसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी सर्किल आती है, पावर ट्रांसमिशन में जब मैटिंग होती है, दो गियर की मैटिंग होती है, तो पावर सप्लाई कैसे होती है, और किस पॉइंट पे दोनों टच करते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ अप्रोच क्या होता है, एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी चीजें होती हैं, ओके डियर। तो गियर, गियर से पावर ट्रांसमिशन होता है, जैसे एक शाफ्ट ये है, अदर शाफ्ट ये है, अब गियर लगा दिया एक गियर यहाँ, अब इसे क्लोज डिस्टेंस में होती है, बड़ी कम डिस्टेंस में अगर पावर सप्लाई करनी हो, पावर ट्रांसमिशन करना हो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, ये शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है, हमने हमको इस शाफ्ट की जो पावर है
यहां पे ट्रांसमिट करनी है डियर, कहां पे हमको इस शार्ट की पावर इस शार्ट पे ट्रांसमिट करनी है। ये रोटेट नहीं कर रहा था, ये रोटेट कर रही थी, ये रोटेट इंजन सप्लाई से कर रही थी। अब हमको यहां से यहां पहुंचाना है, तो हमने एक गियर लगा दिया। अगर हम बेल्ट वगैरह लगाते तो प्रॉब्लम आती कि स्लिपिंग की प्रॉब्लम होती है, पुल्ली लगाना पड़ता, तो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और हमें कम डिस्टेंस में भी करना है तो कम डिस्टेंस में बेल्ट तो प्रॉब्लम है, कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे हम गियर ही यूज करते हैं डियर। तो एक गियर इसमें लगाया, अदर इसमें लगाया, अब मैटिंग हुई हुई ना, अब पावर सप्लाई वहां से वहां ट्रांसफर हो गई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गियर भी होते हैं, किसका कहाँ पे यूज है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे गियर चैप्टर में। ऐसे ही चीजें हमारी होती रहती हैं। तो थ्योरी ऑफ मशीन का आपको समझ में आया, यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इंजीनियरिंग में। अगर ये सब्जेक्ट ना होता बड़ी प्रॉब्लम आती चीजों को हमको स्टडी करने में। फिर देखो एमडी सब्जेक्ट जो है मशीन डिजाइन, वहां पे हम करते क्या है, डिजाइन प्रोसीजर चलते हैं कि डिजाइन प्रोसीजर क्या क्या है, कैसे उसकी डिजाइन करनी है, कि हमें गियर की डिजाइन कैसे करनी है। देखो जो ये चैप्टर है गियर ना, वो आपको मशीन डिजाइन में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां पे हमारा फोकस किस पे होता है, डिजाइन प्रोसेस पे। किस पर डियर, डिजाइन प्रोसेस पे होता है, ओके। बट यहाँ पे हम डिजाइन प्रोसेस नहीं देखते हैं, हम केवल देखते हैं उसकी थियोरेटिकल नॉलेज, एवरीथिंग, एडेंडम सर्किल, एडेंडम सर्किल, रूट सर्किल, बेस सर्किल, पिच सर्किल, और उसके बाद टूथ की बात करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है, एवरीथिंग, पीसीडी क्या होता है, सब कुछ हम कर डालते हैं, ठीक है ना डियर। तो थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में आप जान गए ना, कि मशीन में जो जो अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं, उन कंपोनेंट्स की स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया, उस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन वही सब्जेक्ट है। आइए इसकी हम एक डिफिनेशन देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन होता क्या है। एक्चुअल में अगर कोई पूछ ले व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन टोम, देखो ये कभी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, बट ऐसे ही आपको सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है तो बता दिया जाएगा क्या होता है थ्योरी ऑफ मशीन, क्यों, कैसे कहते हैं, डिफिनेशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछता है आप सीधे बोलना स्टडी ऑफ, ऐसे में बोलो एक स्टार्टिंग आप आउट कर दो, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, क्या डियर, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, राइट कर दूं क्या, राइट करते हुए लिखता हूं, अदरवाइज आप शायद फॉरगेट कर जाओगे, लिखा रहूंगा तो प्रॉब्लम आपको कम होगी, है ना, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे ही आप चीजों को करते रहा करो, अगर आपको प्रॉब्लम रहे तुरंत आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ओके डियर, चलिए। तो आप राइट भी कर लेना साथ साथ कि क्या होता है थ्योरी ऑफ मशीन टोम, व्हाट इज टोम, आइए देखते हैं टोम क्या होता है। टोम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम टोम बोलते हैं डियर, टोम आपने सुना होगा, ऐसे सोम सुना होगा, सोम सुना है ना, सोम को बड़ा भाई टोम, एस ओ एम सोम, टी ओ एम टोम। तो आइए हम देखते हैं टोम की डिफिनेशन, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस Which deals with the study of relative motion, बात हो रही डियर relative motion की, study of relative motion both the various parts of machine and dear m oblique means machine and forces which act on them। तो dear ये क्या हुआ, टोम, थ्योरी ऑफ मशीन की हमारी डिफिनेशन हो गई। आज हम थोड़ा सा केवल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछ ले क्या है टोम तो आप बता दोगे, वेरी गुड डियर। अब हम बात करते हैं टोम तो हो गया, इस सब्जेक्ट में आपको मैकेनिक्स के बाद थोड़ा बहुत यूज होता रहेगा, जो भी यूज होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैकेनिक्स के कहां कहां कितना कितना आपको हेल्प लेना है, एवरीथिंग। तो मैकेनिक्स का आपका इस सब्जेक्ट में यूज होगा, ओके डियर। बात कीजिए मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है बता सकते हो क्या आप, स्टडी ऑफ मोशन, शॉर्ट फॉर्म में समझ लो स्टडी ऑफ मोशन, ओके वेरी गुड। तो क्या है स्टडी या मोशन मैकेनिक्स, शॉर्ट फॉर्म में समझो, कोई आपको लिखना नहीं है, एकेडमिक एग्जाम के तरीके। आइए हम बात करते हैं अब किसकी, कि मैकेनिक्स में टू ब्रांच होती है, एक होती है काइनेमेटिक्स और सेकंड होती है डायनेमिक्स। देखते हैं क्या है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, एंड डायनेमिक्स, ओके डियर, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। देखो डियर काइनेमेटिक्स में क्या होता है,
स्टडी या मोशन विदाउट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन, स्टडी या मोशन लिखो आप, या फिर इसको तो यहां लिखा है ना विदाउट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन दैट इज मतलब क्या हो रहा है, कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स की वजह से होगा मोशन, किसकी वजह से होता है, फोर्स वगैरह के होगा ना, तो इसका हम नहीं करते हैं, इसका कॉज क्या है मोशन का उसको हम नहीं स्टडी करते हैं, ओके उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडर द कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। यहां पे जस्ट इसका अपोजिट विथ कंसीडर ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ओके वेरी गुड, कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, मीन्स यहां पे फोर्स की जरूरत पड़ेगी, फोर्स को कंसीडर हम करते हैं, वेरी गुड। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वेरी गुड एग्जाम्पल, और इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो ये क्या, जैसे आप वेलोसिटी निकालते हो ds by dt होता है ना, यही सब इसमें आता है, और एक्सेलरेशन dv by dt, वेरी गुड। ऐसे ही जर्क आपने देखा है, जब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर एक्सेलरेशन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा जर्क, वेरी गुड डियर। dA अपॉन dt ये क्या है, दिस इज जर्क, आप लिख लो यहां पे, आप लिख ही लो क्या होता है जर्क, ये क्या है, g इक्वल टू dA by dt, ऐसे यहां पे फोर्स की बात हो रही है, dP by dt, डियर P क्या है मोमेंटम, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो डी बाई डी टी एम बी, ओके डियर वेरी गुड। तो देखो यहां पे क्या आया, एम का टर्म आया कि नहीं आया, एम है मास और बी क्या है वेलोसिटी, आया ना, तो फोर्स का टर्म आ ही गया ना, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो, ये क्या है एम बाहर कर दो, और क्योंकि एम तो कॉन्स्टेंट होगा ना, डी बाई डी टी, तो यहां से क्या हो जाएगा एम इंटू ए आ गया, एफ इक्वल टू एम ए, ये आपने फार्मूला देखा रहा होगा, देखा है ना, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें हमें टोम में देखनी होती है, उसमें मैकेनिक्स का यूज होता है, इसके बाद काइनेमेटिक डायनेमिक्स टू ब्रांच होती है मैकेनिक्स की, सारी चीजें हमने देख ली, ओके डियर। तो हमने आज बड़ा ही सुंदर से बड़ा ही अच्छे तरीके से चीजों को समझा कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या हेल्प मैं आपकी करूंगा और आपको क्या करना है, तो बात समझ में आती है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट तब तक के लिए आपको करना क्या है, आपको खुश रहना है, क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुश ही नहीं रहोगे तो पढ़ाई क्या ढंग से करोगे, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहो और एंजॉय करते रहो, पढ़ाई साथ साथ रहेगी, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी पे हमें निकलना है, ऐसा नहीं है कि हमने 2 days पढ़ने के बाद बस एंजॉय करना है, जब लॉन्ग जर्नी चलना होता है ना तो एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो टाइम मैनेजमेंट करना होता है कब पढ़ना है, कब हमें प्ले करना है, सारी चीजें, और कब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीजें एक आप टाइम टेबल बनाना होता है तब आप करते हैं, नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर करते रहोगे तो आपको मजा आएगा, स्टडी में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो बात समझ में आ रही है ना, और बाकी आप अपने फोकस्ड रहो, स्टडी पे कंसंट्रेट रहो, एवरीथिंग आप करते रहो, आपको मजा आएगा। तो डियर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस, ओके एक नए उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके डियर थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।